हेलो ट्रेडर्स स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट आप में मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कैसा रहा है निफ्टी का लास्ट वीक से परफॉर्मेंस एंड क्या अभी हम नेक्स्ट वीक का देख सकते हैं परफॉर्मेंस वो भी हम अभी ऑब्जर्व करेंगे ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करेंगे चार्ट की एनालिसिस करेंगे एंड समझेंगे कि निफ्टी में किस तरह का परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे फ्यूचर में उसके स्टॉक्स की भी थोड़ी एनालिसिस करेंगे कि उसके स्टॉक्स किस तरह के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एंड उसके जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स है लाइक रिलायंस एच वो किस तरह का परफॉर्मेंस किए हैं आज ये सारी हम बातचीत करेंगे ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सऐप में साइनअप नहीं किया तो डू साइनअप नाउ मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा यू कैन साइन अप नाउ जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20 प्लस फ्री टूल्स मिलेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ओके इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द सेम अगर कोई भी तरह का क्वेरीज है कुछ भी है तो यू कैन गो योर एंड रेज इट ऑन द सपोर्ट आप जैसे ही सपोर्ट पर डालेंगे तो यू विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ओके okay, एंड अगर आपको खुद से समझना है एप्लीकेशन क्या है टूल्स क्या है एंड टूल्स के बेस पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं तो यू कैन गो ऑन द वीडियो लाइब्रेरी एंड वीडियो लाइब्रेरी पे भी जाके आप वीडियोस देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या एंड कॉन्सेप्ट के बेस पे ट्रेडिंग कैसे की जाएगी ओके okay? तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि निफ्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है एंड निफ्टी का अगर परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो उसके बेस पर आगे क्या हम देखेंगे आज चलिए सारा देखते हैं ओके सो पहले मैं आऊँगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे ओके सो ट्रैक पे आके विल चेक आउट द ओपन इंटरेस्ट ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है ओके okay, एक्सपायरी हम मंथली डाल देते हैं ओके सो इन द मंथली एक्सपायरी जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड जो है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की जो स्ट्राइक है इट इज़ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस ओके तो अभी तक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा से रहा है ओके okay, उसके पहले अगर नियर रेजिस्टेंस की बात करें तो आई बिलीव दिस इज 26,000 लेवल ओके 26,000 पे भी हमने एक अच्छी रेजिस्टेंस देखी है ओके okay, सिमिलरली अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी फिलहाल हमें यहाँ पे अराउंड 24,500 में दिख रहा है रीसेंट सपोर्ट ओके रीसेंट सपोर्ट के एकदम पास है हम ओके रिसेंट सपोर्ट के एकदम पास है एंड करेंटली मार्केट यहाँ पे अभी ट्वेंटी ऑलमोस्ट अराउंड ट्वेंटी फोर के आसपास रन कर रहा है ओके okay, सो so हम लोग अभी 24,500 का अगर आपका सपोर्ट लेवल है तो दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल वहाँ पे से अगर हम ब्रेकडाउन देखेंगे तो जनरली वी कैन सी कि वो नेक्स्ट अपने सपोर्ट लेवल के पास चला जाएगा विच इज़ ऑलमोस्ट 24,000. ओके सो बेसिकली अगर अभी हम कंडीशंस की बात करें तो जनरली यहाँ पे 25000 लेवल जो था इट वॉज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट बट वो लेवल जो है वो डाउन हो चुका है एंड अभी हम रिस नया एक सपोर्ट बनते हुए देख रहे हैं विच इज अराउंड ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड जो है अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट चल रहा है अगर वहाँ पे से हम ब्रेकडाउन देखेंगे तो डायरेक्टली विल गो फॉर ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिमिलरली अगर हम फिर भी एक अच्छी मोमेंटम देखेंगे तो अच्छी मोमेंटम अगर आती है तो वी आर गोइंग फॉर दी अपसाइड अपसाइड में देखिए ज्यादा रुकावट तो दिख रही नहीं है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लेवल है वहाँ पे हम एक रुकावट देख सकते हैं यहाँ पे और एल्स उसके बाद सीधा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड विच इज द रजिस्टेंस लेवल ओके सो अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम बोले तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड लेवल जो है विच इज़ ए गुड रजिस्टेंस तो जनरली हम ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तक अगर निफ्टी इज़ बुलिश तो विल सी द मार्केट एंडिंग समवेयर इन द नियर द रजिस्टेंस एरिया ओके सिमिलरली अगर निफ्टी बैरिश रहा तो भी हमारा सपोर्ट यहाँ पर ट्वेंटी फोर थाउजेंड है ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएटेड है तो ऐसा तो यहाँ पे है कि फिलहाल यहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे राइट और अगर इवन ब्रेकडाउन होता है तो ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड से ब्रेकडाउन होएगा जो हमारे जैसे मैंने कहा ट्वेंटी फोर पे आके रुक जाएगा ओके सो आइए चलिए अभी हम सेम चीज़ आके चार्ट में देखते हैं कि बेसिकली निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस रहा है चार्ट वाइज ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर निफ्टी के बात करें तो देखिए कितना बरिश रन में रहा है निफ्टी ओके फिलहाल ये महीने में हमने ज़्यादा तो बैरिशनेस देखी है निफ्टी में ओके okay, बट फिर भी यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल यहाँ पे अभी लेवल्स की बात करें तो अभी कोई सिग्निफिकेंट लेवल ब्रेक डाउन हुआ नहीं है ओके okay, जैसे मैंने आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था ऑलमोस्ट अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर चल रहा था ओके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर रुका है ट्राई किया है निफ्टी ने रुकने को बट वो नहीं रुक पाया सो इट हैज ब्रेक एंड डाउन बट अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रेकडाउन था ब्रेकडाउन में अगर हम बात करें तो देखिए ब्रेकडाउन पे जैसे ही आते ही ओके okay, ब्रेकडाउन पे आते ही हमने एक हैमर कैंडल देखा है ओके सो ये जो ब्रेकडाउन हमने देखा है यहाँ पे से देखिए एक हैमर कैंडल देखा है हमने नीचे की तरफ ओके विच इज़ जस्ट इंडिकेटिंग कि यहाँ पे हमने जो ब्रेकडाउन देखा है वो सरवाइव किया है ओके ऑलमोस्ट अराउंड ट्वेंटी फोर तक आ गया था फ्यूचर प्राइस ओके बट वहाँ पे वो जो ब्रेकडाउन था वो सस्टेन किया है एंड जैसे कि आज देख सकते हो कि वो ऑसोलेट करके तो भी उसने ब्रेकडाउन नहीं किया है सो so समवेयर जो अगर यहाँ पे बैरिशनेस अगर हमें देखनी थी ये ब्रेकडाउन से अगर हमें बैरिशनेस देखनी थी वो हमें अभी तक बेरिशनेस ऑब्जर्व नहीं हुई है ओके बट अगर हम बात करें ट्रेजेक्टरी के बारे में तो ट्रेजेक्टरी अभी भी हमें थोड़ी बैरिशनेस ही ऑब्जर्व करवा रही है ओके अगर हम देखें यहाँ से सो so बेसिकली पहले ऐसी ऐसी हमारी ट्रेजेक्टरी थी कल आ, फ्राइडे तक ओके बट आज की ओपनिंग से वो रिवाइज हो गई है रिवाइज होके वो ऊपर की तरफ आ चुकी है यहाँ पे ओके okay? सो so, जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेजिक्ट्री अभी भी डाउनवर्ड डिरेक्शन ही दिखा रही है ओके okay? बट अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन ओके सो ट्रेंड लाइन इफ़ इट ब्रेक्स तो वहाँ पे हम बुलिशनेस ऑब्जर्व करेंगे सिमिलरली अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तो फिर भी हम एक डाउनवर्ड डिरेक्शन देख सकते हैं जैसे मैंने कहा दो फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज समवेयर अराउंड ईयर ठीक है तो हम निफ्टी को यहाँ तक देखेंगे अराउंड सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट तक आते हुए अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो अगेन विल सी अ रिवर्सल ऑन दी अपसाइड सिमिलरली अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज द लेवल बट ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो काफ़ी दूर की बात है अभी तक अगर हम ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड तक भी नहीं देख रहे निफ्टी को निफ्टी इज जनरली अभी भी देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो उसकी जो इंटेंशन जो है बाई द कैंडल्स इट इट इज स्टिल लुकिंग बुलिश क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हैमर बना है वो काफ़ी डिसेंट हैमर बना है एंड वहाँ से देखिए अपमू भी आया है आज के दिन भी देखेंगे तो इट वॉज सस्टेंड ओके okay, अपना लो बनाया है लो बनाने के बाद उसने अपना लो एक भी बार ब्रेक नहीं किया है सो टिल नाउ निफ्टी इज नॉट लुकिंग इन अ बैरिज डेक्शन एज ऑफ येट बट अभी भी हम बात करें तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा वरिश का है थोड़ा माहौल तो आप क्या करें कि आप सेफली थोड़ा ट्रेड कीजिए अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है देन ओनली यू गो फॉर द बुलिश डिरेक्शन और एल्स अभी तक आप बैरिश साइड में ही ध्यान दीजिए ओके okay? सो so, आइए चलिए थोड़ा स्टॉक्स भी एनालाइज करते हैं आइए चलो जरा मैं बिल्टअप पे ले जाता हूं ओके सो so, स्क्रिप्ट सिंबल पे आ जाते हैं ओके सो so, यहाँ पे आके हम सेक्टर में निफ्टी स्टॉक्स को ऐड कर देते सो so, जैसे कि यहाँ पे मैंने निफ्टी स्टॉक्स को ऐड कर दिया है अप्लाई कर देता हूँ सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी स्टॉक्स का हम देख रहे हैं ओके निफ्टी स्टॉक्स में देखेंगे काफ़ी हमने शॉर्टिंग देखी है टाटा साइड में ओके टाटा टी सी एस ट्रेंट ये सारे में हम बेरिशनेस देख रहे हैं आज का दिन आज का दिन अंडर कंसीडरेशन नहीं लेंगे ओके बट एज एन ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी बेरिशनेस हमने ऑब्जर्व की थी बट अभी निफ्टी कहीं ना कहीं रिकवरी की फेज़ में है क्योंकि आप पे देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो है हम कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न में देख रहे हैं अगर एच डी एफ सी लाइफ की बात करें तो एच डी एफ़ सी लाइफ इज़ फॉलोइंग द लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न जो थोड़ा कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखा रहा है सिमिलरली अगर एच डी एफ सी बैंक की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग में है तो वो आपको यही बता रहा है कि कई दिनों से वो सेलर्स जो है दे आर ट्राइंग टू स्क्र ऑफ ओके okay, आप बाकी भी देखेंगे एज अ ओवरऑल तो देखेंगे काफ़ी शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व किया है बट निफ्टी इज़ लुकिंग कि यहाँ पे एक थोड़ी रिकवरी हम देख रहे हैं स्टॉक्स में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने ब्रेकडाउन देखा था स्टॉक्स में ओके okay? तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अगर हम देखें अगर हम रिलायंस की बात करें अगर रिलायंस की हम बात करें तो रिलायंस में भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा शॉर्ट ट्रेंड चल रहा था बेरिशनेस का बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड थोड़ा रुक चुका है एंड हम यहाँ पे देख सकते हो कि बायर्स की तरफ यहाँ पे एंट्री हम देख रहे हैं ओके सो so, निफ्टी में देखेंगे तो ज्यादातर कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस का काफी रहा है ओके okay, निफ्टी में अगर देखा जाए तो रिलायंस इज़ वेरी को रिलेटिंग टू निफ्टी तो अगर निफ्टी ज़्यादातर गिरता है तो जनरली वी सी अ फॉल इन द रिलायंस आल्सो राइट सो अभी जैसे कि सेम चीज़ हम रिलायंस में भी वर्क कर सकते हैं कि रिलायंस जो है अगर बुलिश पैटर्न में आ रहा है और वी कैन सी कि नियर फ्यूचर में अगर वो लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न में आता है तो दैट इज़ अ पॉइंट कि यहाँ से हम रिकवरी देख सकते हैं निफ्टी की एंड जैसे मैंने कहा एज अ ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा बेरिशनेस है बट मेरे हिसाब से यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर लाइन है वो ब्रेक करेगा एंड समवेयर वी आर सीइंग अ मोमेंटम ऑन दी बुलिश साइड ओनली ओके सो आई होप अभी तक आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हो गया होगा तो विल जस्ट चेक आउट बैंक निफ्टी ऑल्सो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं क्या लेवल्स बने हैं ओके सो अगेन मैं ओआई पे आ जाता हूँ यहाँ पे विल पुट अप बैंक निफ्टी ओके सो बैंक निफ्टी के एनालिसिस करे तो विल पुट अप दिस आल्सो इन द मंथली एक्सपायरी ओके बैंक निफ्टी के एनालिसिस करे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए पचपन हजार पे एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएटेड था ओके फिफ्टी फाइव थाउजेंड वॉज है गुड पोजिशन ऑलमोस्ट अराउंड फिफ्टीन लैख पोजीशंस थी यहाँ पे जिसमें से ऑलमोस्ट एट लैख पोजिशंस यहाँ पे हम निकलते हुए देख रहे राइट तो अभी सबसे रिसेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे रीसेंट रेजिस्टेंस समवेयर इज एक्टिंग इज लेवल है तो पे हम सबसे ज्यादा ओ आई फिलहाल देख रहे हैं ओके उसमें हम सो फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी फोर थाउजेंड ऑन लेवल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी जो वो अगर ब्रेक करता है तभी जाके हम बुलिशनेस देखेंगे देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो पिछले लास्ट वीक में जैसे मैंने एनालिसिस किया था तो तभी मैंने कहा था कि वो एक लेवल ब्रेक करेगा तो वहाँ से हम अप मूव देखेंगे तो वही वो 51,000 लेवल पे उसने सपोर्ट लिया एंड 51,000 से वी हैव सीन कि बैंक निफ्टी अभी करंटली अराउंड 52,000 रन कर रहा है तो ऑलमोस्ट थाउजेंड पॉइंट्स तो बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है एंड यहाँ से हम थोड़ी और रिकवरी बैंक्स में देख सकते हैं क्योंकि बैंक बैंक सेक्टर जो है एज एन ओवरऑल हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा बहरिश हुए थे राइट सो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी हम थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं एच बैंक एज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर एच में भी थोड़ा रिकवरी देख रहे हैं सिमिलरली एक्सिस एंड सो ऑन राइट सो बैंक निफ्टी में बात करें तो सपोर्ट की बात करें तो फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड इज स्टिल एक्टिंग एज एन इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम बात करें तो फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड लेवल जो है उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स भी ट्रेडेड है अभी तक राइट सो फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड आई बिलीव इज द गुड वैल्यू गुड गुड लेवल जिसपे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू सपोर्ट क्रिएट कर रहा है इवन अगर उसने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन किया था फिफ्टी वन थाउजेंड तक बट अभी देखिए रिकवरी करके वापस वो अपने लेवल्स पे आ चुका है सो बैंक निफ्टी की बात करें तो फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज स्टिल एक्टिंग एज अ स्ट्रॉग सपोर्ट ओके एंड सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फिफ्टी फोर थाउजेंड इज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर अस ओके फिफ्टी थ्री थाउजेंड अगर फर्स्ट मोमेंटम में अगर हम बात करें तो फिफ्टी थ्री थाउजेंड में थोड़ा हमें रिवर्सल्स मिलेगा या रिट्रेसमेंट मिलेगा बट जनरली अगर मार्केट में अपमूव है तो वी आर सिंग इट टिल फिफ्टी फोर थाउजेंड लेवल्स ओके एनालाइज पे अगर हम चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाते हैं अभी एंड बैंक निफ्टी को अगर हम एनालाइज करते हैं चार्ट पे, ओके okay? सो so, जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो ओके सो जैसे मैंने कहा था ओके okay? सो so, आप देख सकते हो कि बेसिकली यहां पे हम जस्ट सेकेंड चेंज इट टू वर्न आवर टाइम फ्रेम सो जैसे कि मैंने यहां पे कहा था लास्ट वीक ओके So, ये थी वो लास्ट वीक की ट्रेंड लाइन जो हमने ऑब्जर्व की थी यहां से ओके सो दिस वाज़ द ट्रेंड लाइन सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है ओके okay? ब्रेकआउट देने के बाद वी आर दैट वहाँ से रिट्रेस भी किया है एंड जनरली फिर वहाँ से अपने ऑटोमेटिकली जो 51,000 लेवल पे आ चुका था 51,000 से दैट देन वी आर सीइंग दैट 51,000 से उसने फिफ्टी वन का एक हाई बनाया था विच आई सेड जैसे मैंने कहा था कि जो रिसेंट रेजिस्टेंस है वहाँ तक हम देख सकते हैं मोमेंटम तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट रिसेंट रेजिस्टेंस को टच करके वहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स किया है एंड अभी भी आप देखेंगे तो सस्टेन लेवल पे हम देख सकते हैं उसको ओके okay, तो उसका जो रिसेंट सपोर्ट बनाया है वहाँ पे ही हम अभी करंटली देख रहे हैं बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो डिरेक्शन है अभी फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद हमें इसमें थोड़ा एक अपमूव देखने का चांसेस था ओके okay, ये जो है यहाँ पे हमने देखा था कि ओवरऑल मार्केट वाज लुकिंग फॉर अ बेरिश साइड तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ पे से एक ब्रेकडाउन इवन इन बैंक निफ्टी हमने ऑब्जर्व किया बट ऑन अ नॉर्मल बेसिस यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली यहाँ पे पूरा मार्केट ही बैरिश था इसीलिए यहाँ पे हम डाउन मूव ऑब्जर्व किए बट ऐसे कि आप देख सकते हो कि ऑन दी एटीनथ उसने रिकवर कर लिया एंड अभी जाके वो सस्टेन हुआ है ऑलमोस्ट फिफ्टी टू थाउजेंड लेवल पे सस्टेन हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट इज ऑलमोस्ट अराउंड फिफ्टी थ्री थाउजेंड लेवल ओके फिफ्टी थ्री थाउजेंड लेवल्स पे भी हमारा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्रिएटेड है ओके okay, वहाँ पर अगर यहाँ पे देखेंगे तो 53,000 लेवल पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है ओके सो बट देखेंगे यहाँ पे देखिए मार्केट जनरली आके 53,000 लेवल पे रुकता नहीं है ओके मोस्टली 53,000 पे आके हमने जैसे मैंने कहा कि आप आके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट्स देख सकते हो ओके okay? बट वहाँ से जनरली हम अपमू भी देखेंगे बिकॉज रिसेंट रजिस्टेंस जो है फिफ्टी थ्री थाउजेंड पर हम ज़्यादा नहीं देख पा रहे ओके okay? सो so, अगर हम चार्ट एनालिसिस की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी हमें फिलहाल थोड़ा बुलिश लग रहा है ओके रिसेंट उसके एक्शंस के हिसाब से हम अपसाइड ही उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी भी देखेंगे तो रिसेंट सपोर्ट पे ही क्लोज हुआ है ठीक है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी कैन लुक फॉर गो अपसाइड ओके अपसाइड में हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अपना टारगेट अभी फिलहाल 54,000 ही दिख रहा है तो रिसेंट रेजिस्टेंस जो है 53 पे आप थोड़ा सा क्वान्टिटीज आपका चाहिए तो बुक कर सकते हो 54,000 इज़ द लेवल जहाँ पे हम अच्छी मोमेंटम हम जहाँ तक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी की एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो 51,500 जो लेवल है आई बिलीव वो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग लेवल है अगर फिफ्टी वन ब्रेक होता है तो देन यहाँ पे ये जो है दिस इज़ सपोर्ट जो हम कंसिड्रेशन में लेंगे विच इज़ फिफ्टी ओके तो फिफ्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड लेवल जो है वो लोएस्ट जो हमने ऑब्जर्व किया है काफी टाइम से बैंक निफ्टी में हमने इतना लोएस्ट ऑब्जर्व नहीं किया था बट अभी जो ऑब्जर्व किया है सो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट वेच आई बिलीव की एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है फिफ्टी वन फाइव हंड्रेड के बाद तो अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी तरह का सपोर्ट या स्टॉप लॉस सेट करना है तो समवेयर इट शुड बी हियर ओके आइए चलिए अभी बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स देख लेते हैं कि उनके उसमें किस तरह का यहाँ पे हमने पैटर्न्स uh, देख रहे हैं ओके राइट तो so, जैसे कि आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स में हमने देखा था कि यहाँ पे देखिए जो पर्टिकुलरली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ था वहाँ पे हमने काफी बैरिशनेस देखी थी बैंक निफ्टी इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ काफी गिरा भी था ओके बट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा रिकवरी हम देख रहे शॉर्ट्स जो है अपनी पोजिशंस कवर कर रहे तो ओवरऑल जो पोजिशंस हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजिशंस एडअप नहीं यहाँ पे हम पोजिशंस डिक्रीज देख रहे हैं एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम द सेलर साइड सो शॉर्ट कवरिंग ही हम ज्यादातर ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द बैंक्स ओके एच डी एफ सी हो गया आई सी आई सी आई हो गया इन ऑल ऑफ दैम वी आर सींग लॉन्ग एंड वर्निंग एंड शॉर्ट कवरिंग ओनली सो अभी तक पोजिशन ज्यादा क्रिएट नहीं हुई है अभी तक यहाँ पे हम बुकिंग्स देख रहे हैं ओके okay? एंड जैसे ही यहाँ पर अभी हम न्यू न्यू वेव पे देखेंगे कि अगर कोई डिरेक्शन आता है कल के दिन या इन इन कमिंग वीक तो वो हम अपसाइड में जब भी देखेंगे तो यहाँ पे हम लॉन्ग बिल्टअअप भी ऑब्जर्व करेंगे सिमिलरली साथ में हम बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा प्राइज एक्शन वी कैन सी फॉर द अपसाइड ओके सो आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड विल कंटिन्यू दिस वीडियो ऑन द नेक्स्ट वीक थैंक यू सो मच